ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं जिसका रेडियस गिवन है एंड हैविंग चार्ज गिवन है, कंबाइन करती है 27 ड्रॉप कंबाइन करती है और एक सिंगल ड्रॉप बना दिया। तो सबसे पहला काम वॉल्यूम दोनों का क्या कर सकते हैं, इक्वेट। छोटे का रेडियस अगर 3 mm है तो बड़े का रेडियस 9 mm आ जाएगा, पहला काम। फाइंड कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। पोटेंशियल तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, कैसे? पोटेंशियल की वैल्यू एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिखवाया था अभी, n रेज टू पावर 2/3 × V, वो भी लग सकता है, वो नहीं लगाना कोई बात नहीं, आसान तरीका है। कैपेसिटेंस बताओ बड़े ड्रॉप की क्या होगी, कैपेसिटेंस बड़े ड्रॉप की 4πε0 × R, तो जो कि सॉल्व करके 10⁻¹ F यानी कि 1 pF आएगी। बड़े ड्रॉप का चार्ज क्या होगा, 27 छोटे ड्रॉप्स कंबाइन करके बड़े ड्रॉप का चार्ज आएगा, क्योंकि जब ड्रॉप कंबाइन होंगे चार्ज ऐड हो जाएगा, 27 × चार्ज ऑफ सिंगल ड्रॉप हमें पता है, तो ये बड़े ड्रॉप का चार्ज आ गया। तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या आएगा, बड़े ड्रॉप का चार्ज बाय बड़े ड्रॉप की कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर में अगर आपको सी पता है और क्यू डैश पता है, इनको डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक? इसी बेस पे ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एन ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ऑफ इक्वल रेडियाई इक्वल चार्ज, एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है, तो आपको क्या करना है, कंपेयर चार्ज कैपेसिटेंस पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप एज कंपेयर टू स्मॉलर ड्रॉप। रूल नंबर वन, छोटे ड्रॉप कंबाइन हो गए बड़ा ड्रॉप, तो चार्ज कितना, एन इंटू क्यू, पहला रिजल्ट क्लियर है। दूसरा, छोटे ड्रॉप की कैपेसिटी क्या है, 4πε0 r, पोटेंशियल क्या है, 1/4πε0 q/r, पोटेंशियल भी आ गया। अब वॉल्यूम इक्वेट कर दिया बड़े छोटे का, तो रेडियस का रेशियो आ गया, चार्ज कितना है, n इंटू क्यू, तो चार्ज की रेशियो नए बड़े और छोटे ड्रॉप की क्या हो गई, n, एक आंसर। दूसरा, बड़े ड्रॉप की कैपेसिटी 4πε0 r-, बड़ा r डैश और छोटे r डैश का रिलेशन आपको पता है, तो यहां से 4πε0 छोटा r क्या है, छोटी कैपेसिटेंस, तो c डैश बाय c की रेशियो क्या आएगी, n रेज टू पावर 1/3। आज आपने फॉर्मूला रजिस्टर में एक फॉर्मूला नोट किया है, v डैश इज n की पावर 2/3 × V, एक और फॉर्मूला नोट करो कि c डैश इज इक्वल टू n रेज टू पावर 1/3 × C, कि जब ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं n, तो उनकी कैपेसिटेंस, नई कैपेसिटेंस क्या बनती है, n की पावर 1/3 × पुरानी कैपेसिटेंस। पोटेंशियल का फॉर्मूला n रेज टू पावर 2/3, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला n रेज टू पावर 1/3। ठीक है यहां तक? तो अगर ऑब्जेक्टिव आएगा सीधा मार्क करेंगे इसमें, नीट और उसमें तो बहुत आता है ये, मेन में तो कैपेसिटेंस में और भी क्वेश्चन है, पर नीट में तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये निकालना, ठीक है। और पोटेंशियल का रेशियो तो वैसे याद हो गया, n की पावर 2/3। यहां तक सबको क्लियर है?